Hi all of you, my name is Ravi Agarwal. Once again I welcome you all on my official YouTube channel Smartly. स्वागत करता हूँ आप सभी का डेली प्रैक्टिस बूस्टर सीरीज में। दोस्तों डेली 11 बजे मैं एक सीरीज आपके साथ लेके आता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से या नए क्वेश्चन के साथ। हम रोज मिलते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आज का क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस बूस्टर सीरीज का सीधे आपकी स्क्रीन पर। इन ए सर्टेन कोड सोल्डर इज रिटर्न एज VPITQDCK, हाउ इज मॉर्निंग रिटर्न इन दैट कोड। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको। SHOULDER को कोड किया है VPITQDCK और आपसे पूछा है मॉर्निंग्स का कोड क्या होगा। यहां पर ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। नंबर टू, कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या याद होना चाहिए, कोड्स याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक अगर आपने अभी तक मेरा कोडिंग डिकोडिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर जरूर देखिए। मैंने सारे कोड की बात की है इजी वे में कि कैसे अल्फाबेट का कोड हम याद रख सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि एस का कोड आपका 19, यहां पर 8, ये होता है 15, यू 21, एल की अगर हम बात करें 12, डी होता है 4, ये होता है हमारा 5 एंड आर 18। यहां देखेंगे तो ये आपका होता है 22, पी आपका होता है 16, आई होता है 9, पी होता है 20, क्यू की बात करें तो 17, 4, 3 एंड 11। मैंने क्या किया यहां पर जो अल्फाबेट है उनके कोड प्लेस कर दिए हैं। क्यों प्लेस कोड किए हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोड प्लेस करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझने के लिए देखिए उसने क्या किया है, 19 को 20 किया है, 21 को 22 किया है, 8 को 9 किया है, 15 को 16 किया, यानी क्या किया उसने, क्रॉस किया है। सेम अगर आप यहां पर देखेंगे तो 11 को 12 किया है, 17 को 18 किया है, 3 को 4 किया है, 5 को या 4 को 5 किया है। बट डिफरेंस क्या है वो समझिएगा, यहां पर ऊपर से है यानी इसने क्या किया है, हाफ पार्ट को अप डाउन दिया है, नेक्स्ट हाफ पार्ट को उसने डाउन टू अप दिया है, यही आपको समझना है। तो यहां पर अगर मैं मॉर्निंग्स की बात करता हूं, अगर मैं दो पार्ट डिवाइड करता हूं तो आप एम का कोड देखेंगे 13, ओ का 15, आर का 18 एंड एन का होता है 14। देन आप नीचे लिखेंगे आई का 9, एन का 14, जी का 7 और एस का आपका होता है 19। अभी उसने पहले हाफ पार्ट में क्या किया है वो समझिए, उसने पहले हाफ पार्ट में क्या है, ऊपर से नीचे यानी अप डाउन दिया, 13 के बाद 14 यानी यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एन लिख सकता हूं। उसके बाद उसने 21 टू 22 यानी 14 टू 15 यानी यहां ओ लिख सकता हूं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 8 टू 9 यानी ओ आपका क्या है 15 है, तो पी आपका कितना था 16। Then, आप क्या करेंगे 18 टू 19 यानी 19 पे क्या था आपका एस आता है। यहां तक समझा आपको, गुड। अभी उसने क्या किया है, नीचे से ऊपर दिया यानी 17 टू 18। अगर ये क्या है 19 है तो यहां पर कितना आना चाहिए आपका 18 आना चाहिए, 18 पर आपका क्या होता है आर आता है। नाउ अगर यहां 9 है तो नीचे क्या आना चाहिए 8 यानी यहां पर क्या आएगा एच। अगर यहां पर जी 7 है तो यहां पर क्या आना चाहिए एफ यानी 6 आना चाहिए, और अगर यहां पर एन 14 है तो यहां पर आपका क्या आएगा एम। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो आपको यही कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि उसने हाफ पार्ट में क्या किया है, अगले हाफ पार्ट में क्या किया है। कई बार होता है कि हम डायरेक्ट निकल जाते हैं तो हो सकता है वो गलती हो जाए, तो आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िएगा। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, ओ एस पी एन आर एफ एम एच। सो दोस्तों ये आपका भी होमवर्क टाइम है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और आप हमें ये भी बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।